अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 29 स्टडी करेंगे, सिमुलेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द अर्थ सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम अर्थ सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। अर्थ एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है कि किस तरह से ये काम करती है। इंटरनेशनल ग्लोबल चेंज रिसर्च प्रोग्राम्स या आप एब्रीवेशन याद कर लें IGCRPs। तो IGCRPs ये जो प्रोग्राम्स हैं ये स्टडी कर रहे हैं अर्थ सिस्टम को बहुत सारे सालों से, बट अभी भी जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं पता, जो अर्थ के बारे में अभी तक नहीं जानते। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, बट फिर भी अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अननोन हैं। तो हेयर आर द स्पेसिफिक थिंग्स दैट IGCRPs हैव डन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो IGCRPs ने की हैं, वो हम देखते हैं क्या है। दे हैव क्रिएटेड नेटवर्क ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर वर्किंग इन द अर्थ सिस्टम। के क्या किया कि साइंटिस्ट क्रिएटेड नेटवर्क ऑफ साइंटिस्ट के समझ लें कि साइंटिस्ट को डिफरेंट डिसिप्लिन के साइंटिस्ट को इकट्ठा किया, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स पे काम कर रहे थे, डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे थे, उन सबको जो है वो इकट्ठा किया, ठीक है। और दे हैव आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी इशू सच एज क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, के जो प्रायोरिटी इशू हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद आ जाता है दे हैव डिवेलप्ड एक्शन प्लान्स टू एड्रेस दीज इशू, के इन इशूज़ को सॉल्व करने के लिए प्लान्स बनाए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है दे हैव सिंथेसाइज साइंटिफिक इंसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज ऑफ द अर्थ सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो अर्थ क्लाइमेट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर करने के लिए, ठीक है, उसको सिंपली उसको इम्प्रूव किया, और जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको भी इम्प्रूव किया। और उसके बाद आ जाता है दे हैव डेवलप न्यू एरियाज ऑफ साइंस जैसे कि क्लाइमेट मॉडलिंग, क्लाइमेट अडेप्टेशन वगैरह। अच्छा, IGCRPs का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि जो डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन है उनके दरमियान जो बैरियर है वो तोड़ना। अच्छा, यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ लेते हैं रिडक्शनिज्म, उससे हमें इस चीज़ की समझ आएगी। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि एक फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ है, उसको स्टडी करने के लिए उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और हर पार्ट एक हर के एक अलग बंदा उसको जो है वो स्टडी करता है। तो इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि साइंटिस्ट सिर्फ अपने वाले पार्ट पर, अपनी वाली जो चीज़ है उसके ऊपर सिर्फ फोकस करते हैं, और उनको दूसरे पार्ट का या दूसरे प्रॉब्लम का जो है वो आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया था, ठीक है, इसको ख़त्म करना इनका काम था कि साइंटिस्ट जो हैं वो मिलकर काम करें, ठीक है, अर्थ सिस्टम पे एज अ होल मिलकर काम करें, ताकि वो बिग पिक्चर को भी देख सकें, ठीक है, सिर्फ अपने पार्ट पे ही वो जो है वो काम ना करें। और इस ये इन्होंने किस तरह से किया था कि बाय ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, के डिफरेंट चीज़ों पे जो काम कर रहे थे साइंटिस्ट उनको क्या कहते हैं उनको इकट्ठा किया, और फिर उनको जो है वो एक प्रॉब्लम के ऊपर सिंपली काम करने को दिया, ताकि उनको हर चीज़ जो है वो आती हो, हर वो मिल के जो है वो काम कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है IGCRPs हैव मेड प्रोग्रेस इन स्टडिंग अर्थ सिस्टम, बट देर आर स्टिल सम डिसिप्लिन दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड, कि अभी भी बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जो कि नहीं हम उनको जो है वो प्रायोरिटी दे रहे देख रहे, जिसमें आ जाता है डेमोग्राफी, हेल्थ साइंस और जियोलॉजी। हेल्थ साइंस और जियोलॉजी की तो आपको समझ आ रही होगी, डेमोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, तो इनको जो है वो अभी नहीं इतना लिया जा रहा। तो हालांकि ये जो डिसिप्लिन हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अर्थ सिस्टम को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेक श्योर किया जाए कि जितने भी रेलिवेंट डिसिप्लिन हैं जो कि अर्थ सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो उनको भी जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, उनको भी उनके ऊपर भी ज़रूर फोकस करना है, ताकि अच्छे तरीके से पता चले कि अर्थ सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर चैलेंजेस कुछ आते हैं। सबसे पहला चैलेंज चैलेंज ये है कि अर्थ सिस्टम के इट इज़ नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर मतलब कि इसमें अगर कुछ छोटा सा भी चेंज आएगा तो उससे जो है वो बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा उसका जो है वो नुकसान या फ़ायदा जो भी हो सकता है, ठीक है, उसके नतीजे जो हैं बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसकी वजह से मुश्किल होता है ये प्रेडिक्ट करना कि किस तरह से सिस्टम जो है वो चेंजेस को रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा चैलेंज याद आता है कि अर्थ सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको जो अभी जो हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू मॉडल करना इतना ईजी नहीं है।
अच्छा, फिर भी अर्थ सिस्टम के कुछ डोमिनेंट फीचर्स हैं, उन डोमिनेंट फीचर्स को देखते हुए जो है वो सिंपल मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और जो अर्थ पे जो की प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो मेन प्रोसेसेस हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उनके बारे में स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। इन चैलेंजेस हालांकि चैलेंजेस हैं, फिर भी IGCRPs जो हैं बहुत ज़्यादा इन प्रोग्राम्स ने जो है वो प्रोग्रेस की है अंडरस्टैंडिंग द अर्थ सिस्टम में, और ताकि बेहतर तौर पर अर्थ सिस्टम को समझा जा सके। अच्छा, इन्होंने क्या किया है इन प्रोग्राम्स के थ्रू, क्या हुआ कि दे डेवलप्ड अ हायरार्की ऑफ मॉडल्स दैट कैन बी यूज टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि डिफरेंट लेवल्स बनाएंगे, ठीक है। समझ लें कि जो सबसे अपर लेवल होगा, जो जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, ठीक है। और जो सबसे लोअर लेवल होगा, उस पर जो है सबसे सिंपल मॉडल होगा, ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल मॉडल, बिल्कुल बेसिक जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करने के लिए सिंपल मॉडल यूज किया जाएगा, और जो प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स चीजें स्टडी करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉडल को यूज किया जाएगा। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम को स्टडी करने के लिए हायरार्की ऑफ मॉडल्स बनाएंगे, डिफरेंट लेवल्स के मॉडल बनाएंगे, ताकि इनको इजीली स्टडी किया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है इसके अंदर सिमुलेटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ सिस्टम मॉडल्स जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ मॉडल का भी पता चल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सिंपल टॉय मॉडल्स जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और जो सिंपल आइडियाज उनको टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। सेकेंड हमारी टाइप है प्रोसेस मॉडल्स। प्रोसेस मॉडल्स जो है वो स्पेसिफिक प्रोसेसेस को देखने के लिए, कुछ प्रोसेसेस को देखने के लिए कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो देखने के लिए यूज होते हैं, वो सिमुलेट करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद आ जाता है अर्थ मॉडल्स ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको EMICS भी कहते हैं। ये अर्थ सिस्टम को एज अ होल स्टडी करने के लिए यूज होते हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताते हैं। फिर आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ सिस्टम। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या है कि ये तकरीबन सारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं अर्थ सिस्टम के, वो ये बताते हैं, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी इसके नाम से पता चल रहा है कॉम्प्रीहेंसिव, तो ये बहुत सारी चीजें बताते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैं इन सबसे। फिर आ जाते हैं एक्सोटिक अप्रोचेस। एक्सोटिक अप्रोचेस आर न्यू और इनोवेटिव वेज ऑफ मॉडलिंग द अर्थ। हालांकि ये न्यू है, बट फिर भी ये अभी हम कह सकते हैं कि ये अभी अंडर डिवेलप्ड है, ठीक है, और इनके पास अभी भी ये हम कह सकते हैं कि इनके पास पोटेंशियल है कि ये पावरफुल और अच्छी जो है वो न्यू इंसाइट्स जो है वो दे सकते हैं सिस्टम के बारे में। तो ये कुछ अर्थ सिस्टम मॉडल्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें अर्थ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में सिमुलेट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कंप्यूटर पावर आर्किटेक्चर एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम। तो इनको हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर पावर। अच्छा, अगर हम कंप्यूटर पावर को इम्प्रूव करते भी जाएं उसको, तो फिर भी एक लिमिट है ना कि कितना ज़्यादा हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेड स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स जो है, ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस करने में अर्थ की। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्किटेक्चर, कि जिस तरह से कंप्यूटर मॉडल्स बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हर रिसर्चर जो है वो उसको जो है एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो साइंटिस्ट के लिए सिंपल और जो है वो और इजी होने चाहिए मॉडल्स, ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉडल्स को कनेक्ट कर सकें और अपने जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको ट्राई कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड नॉलेज, के हमारे जो मॉडल्स हैं वो वही चीज़ सिमुलेट कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी अर्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ बिहेवियर हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, और यही चीज़ें जो है वो हमारे मॉडल जो है वो सिमुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ बिहेवियर्स हैं जिनको अभी तक नहीं स्टडी किया गया, जो इन सिमुलेशंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाती है इसमें ऑब्जर्वेशंस। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट दो यहाँ पर आ जाते हैं, डेविड कर्ट और यहाँ पर आ जाता है जॉन शेलनुबर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अर्थ के नेचुरल सिस्टम के बारे में जो चीज़ें बोली थी वो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था, कि अर्थ के नेचुरल सिस्टम को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। डेविड कर्ल ने क्या किया था, इसने कहा था कि बुक्स और थ्योरी से निकल के जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको डायरेक्टली स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जॉन ने क्या कहा था, उसने
ये हाईलाइट किया था कि अर्थ को जो है वो मैक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव से स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मॉडल्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस ही इनफ नहीं होती हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे बेस करती हैं। हमने जैसे पहले भी कहा कि हमें अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेन लिमिटेशन जो आ जाती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की, वो यही है कि लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है कि हमें अभी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WMO भी कहते हैं, और उसके अलावा द रिसर्च एंड ऑपरेशनल स्पेस एजेंसीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये बहुत सारे ये सब मिल के जो है वो काम कर रही हैं अर्थ सिस्टम के लिए, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, एक और क्लाइमेट साइंटिस्ट है, रे ब्रेडली। इसने क्या कहा था, ही हैज कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल पेलियो क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, जिसको हम GPOS भी कहते हैं। इस सिस्टम का क्या काम होगा, दिस सिस्टम वुड कलेक्ट डाटा ऑन पास्ट क्लाइमेट चेंज। पास्ट क्लाइमेट चेंज पे डाटा कलेक्ट करके तो हमें ये हेल्प करता कि जो करंट क्लाइमेट क्राइसिस है उसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड कर सकें और फ्यूचर चेंजेस को भी प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, और लेकिन जो ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा और डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इट मीन्स कि GPOS भी एक जो है वो चैलेंजिंग, हम कह सकते हैं GPOS को भी क्रिएट करना जो है वो चैलेंजिंग है। अगर ये चैलेंजिंग है तो ऑब्वियसली इसको भी करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, द की ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम, ये ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम जिसकी भी हमने बात की, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस एंड इन सीटू ऑब्जर्वेशन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस एंड इन सीटू ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो स्पेस की जो ऑब्जर्वेशन हैं और जो ग्राउंड की ऑब्जर्वेशन हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पूरी अर्थ सिस्टम की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिलती है, ग्लोबल कवरेज मिलती है। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन जो है हमें मजीद बताती है, मजीद हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है स्पेसिफिक एरियाज के मुताबिक। ठीक है, स्पेसिफिक एरियाज के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या है, कि जो ऑपरेशनल सिस्टम है इनको इंश्योर किया जाए कि ये जो है वो सस्टेन्ड हो, ज़्यादा देर के लिए रहें, क्योंकि इनकी वजह से फिर हमें क्या है, ताकि हमें जो है वो डाटा मिलता रहे और हम जो अर्थ सिस्टम है उसको मॉनिटर कर सकें। और उसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंज को भी अंडरस्टैंड करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव, जो पहले से इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनका भी फुल एडवांटेज जो है वो लेना ज़रूरी है। ठीक है, उसका भी फुल एडवांटेज लिया जाए, क्योंकि उससे जो है इट हेल्प्स अस टू अवॉइड डुप्लीकेटिंग एफर्ट्स। ठीक है, और ताकि जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको सही से जो है वो यूज़ किया जा सके और एफर्ट्स डुप्लीकेट ना हो, यानी कि ऐसा नहीं कि पहले जो चीज़ होती जा रही है उसको ही दोबारा से करने लग जाएं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, देर आर टू मेन इम्पेरिमेंट्स टू प्रोग्रेस इन डिवेलपिंग अ ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम। इम्पेरिमेंट्स मतलब हम कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स। ठीक है, इसमें क्या हर्डल्स आ जाती हैं, सबसे पहले आ जाता है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो के ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम को डिवेलप कर सके या फाइनेंस कर सके। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पेलियो ऑब्जर्विंग सिस्टम, और उसके अलावा कंपटीशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस के, इसमें हम कह देते हैं ऑपरेशनल ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम के, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो के अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन इनके आपस में ना जो है वो ये आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो है वो राइवलरी है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि ये जब आपस में मिलकर काम नहीं करते तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनकी, जाहिर सी बात है, एक काम जो वो मिलकर करेंगे और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मिलकर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सकेंगे। ठीक है, तो जब वो ऐसा नहीं करते तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह को भी इस तरह यूज़ नहीं कर पाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन इम्पेडिमेंट्स को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, वी नीड टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस और रिफॉर्म एग्जिस्टिंग वंस, कि नए इंस्टीट्यूशन बनाने हैं और जो पहले से इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेहतर करना है, ताकि बेहतर तौर पर जो है वो मिलजुल के काम हो सके। और उसके अलावा हमें जो है जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, हमने हमें ये मेक श्योर करना है कि उनको जो है वो सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उनको सारे रिसोर्सेज सिंपली मिलने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है द वे फॉरवर्ड।
द वे फॉरवर्ड के अंदर, अच्छा पहले आपके बुक के अंदर वो लिखा हुआ है कि अगर हमने जैसे अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वो हमारा उसका इसके अंदर कोई इतना खास नहीं है, तो वो मैंने इसलिए वो स्किप कर दिया है। अच्छा, द मेन गोल ऑफ सिमुलेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द अर्थ सिस्टम इज, ये आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखी है उसको ईजी करके लिखा गया है कि मेन गोल क्या है सिमुलेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द अर्थ सिस्टम के, टू क्रिएट अ सिस्टम दैट यूजेज ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ एंड सिमुलेशन ऑफ द अर्थ सिस्टम। पहली चीज़ क्या है कि ऐसा सिस्टम बनाना जो कि अर्थ की ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करता है और अर्थ सिस्टम की सिमुलेशंस को यूज़ करता है, और ताकि क्या किया जाए ह्यूमन बिहेवियर को, ताकि उसका जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे असर हो कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सोसाइटी और अर्थ दोनों के लिए बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे इसके अंदर एक ये ग्राफ है, इसके बारे में, इस फिगर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये जो फिगर है ये प्रेडिक्शन फॉर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ओवर द नेक्स्ट सेंचुरी, ये जो है ये दिखा रही है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज होगा नेक्स्ट सेंचुरी तक, वो इसके अंदर प्रेडिक्शंस हैं। तो ये किस किस पे बेस करता है, इट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम IPCC कहते हैं, ये आपने एब्रिवेशन साथ साथ याद करनी है। अच्छा, इसके अंदर ये जो वर्टिकल बार्स हैं ये 15 ईयर्स इंटरवल जो है ये बता रही हैं। ठीक है, जो बार्स बनाई हुई है इट मीन्स ये 15 ईयर्स हैं, 15 ईयर्स हैं, 15 ईयर्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम शॉर्टर टाइम पीरियड्स के अंदर हम चेंजेस देख सकते हैं, ये जो इंटरवल यानी 15 15 ईयर्स के बेस पे हम देख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो इसके मुताबिक क्या है, अगर हम मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज भी देखें, अगर हम बहुत पॉजिटिव होकर भी सोचें, तो भी क्या है कि एक ग्राफ ये शो करते हैं कि 15 साल के टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर में चेंजेस आएंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितनी जल्दी होता है, कितने तेज़ी से हो रहा है। तो IGCRP ने क्या शो किया, IGCRP की जैसे हम पहले एब्रिवेशन पढ़ चुके हैं इसके अंदर, तो अच्छा उसमें ये क्या शो किया है कि जो दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम कैन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली विद इन 15 ईयर्स टाइम फ्रेम, के इस 15 ईयर्स के अंदर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव होगी। और कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की बात करें जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, लार्ज बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, और उसके अलावा लोगों का जो एटीट्यूड होता है क्लाइमेट चेंज की तरफ, तो वो इतनी जल्दी जो है वो चेंज नहीं किया जाता। हालांकि हम जानते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, क्या किस चीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस चीज़ की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किन रीजन्स की वजह से पोल्यूशन हो रही है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, इतना कोई भी अनपढ़ नहीं है, बट फिर भी उनके अंदर जो है वो चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, वो अपने अपने आप को नहीं बदलना चाह रहे, तो इसको जो है इस दे आर डिस्क्राइब्ड एज रिजिड, कि वो सख्त हैं, आप कह सकते हैं भीड़ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं ये रिजिड हैं, इनको जो है वो चेंज करना इतना इजी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 ईयर्स टाइम फ्रेम जो है ये चैलेंजिंग हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। तो अच्छा, अगर हमने मीनिंगफुल इम्पैक्ट कोई देखना है, बनाना है, तो उसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि जो गोल है वो हम विद इन 15 ईयर्स अगर हम रखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इट मीन्स कि हम उस टाइम फ्रेम के लिए जो है वो प्लानिंग्स करें, उस टाइम फ्रेम के लिए स्ट्रेटजीज करें, अनलिमिटेड टाइम की बजाय अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो उससे जो है वो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, इसका सिंपली से ये मतलब है। अच्छा, द मेन अपॉर्चुनिटीज फॉर सच एन इनिशिएटिव आर, सबसे पहले आ जाता है ऑन गोइंग ग्रोथ ऑफ कंप्यूटिंग पावर, के कंप्यूटिंग पावर जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हो रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑन गोइंग एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट, के इससे क्या होगा। अच्छा, ऑन गोइंग ग्रोथ ऑफ कंप्यूटिंग पावर ये हो गया। अच्छा ठीक है, ऑन गोइंग एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन और इंटरनेट के होते हुए क्या है कि लोग आपस में जो है वो डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है द एग्जिस्टिंग ग्लोबल चेंज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर प्रोग्राम, के जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनसे जो है वो हेल्प ली जा सकती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इन इंस्टीट्यूशंस के पास। ठीक है, उन एक्सपर्टीज से जो है वो फ़ायदा लिया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है एग्जिस्टिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट्स इन अर्थ सिस्टम साइंस। अच्छा, एग्जिस्टिंग
नेशनल इन्वेस्टमेंट्स इन एट सिस्टम साइंस का मतलब ये है कि पहले से एक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उससे भी हेल्प ली जा सकती है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। पॉलिटिकल रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरप्राइज, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन भी जो है वो हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो मिल रही है, जैसे क्योटो वगैरह की हम बात करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा द इम्पेडिमेंट्स टू प्रोग्रेस इंक्लूड। सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल बैरियर के जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो रिसर्चेज में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है द ऑफन इक्विवोकल कमिटमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के जो जो एजेंसीज वगैरह जो फंड वगैरह देती हैं गवर्नमेंट या जो दूसरी फंडिंग एजेंसीज होती हैं, ये लॉन्ग टर्म जो है वो फंडिंग नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये अब इस काम के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसलिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। लिमिट्स ऑफ द रिसर्चर पूल के जो रिसर्चर्स हैं, यानी कि क्योंकि ये एक ज़रा कॉम्प्लेक्स सा एक फील्ड है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत कम ऐसे रिसर्चर्स हैं जो प्रॉपर जो है वो क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट एंड पे आपके कुछ पॉइंट्स हैं, द वे फॉरवर्ड कैन बी समराइज्ड एज फॉलो, उसकी थोड़ी सी समरी है। तो ये एज इट इज़ मैंने पॉइंट्स जो हैं वो जैसे आपकी बुक के अंदर हैं वही मैंने लिखे हैं, इनको मैं सबको आपको समझा देती हूँ, क्योंकि अगर हम इसको डिटेल में हर पॉइंट को लिखें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। कंटिन्यू टू इंटीग्रेट रीफोकस इंटरनेशनल प्रोग्राम्स बट फास्टर, इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, मिलके काम करें, पहली चीज़ वर्किंग टुगेदर, वर्क टुगेदर, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि मिलके काम क्या करना है, कॉमन गोल्स के लिए, ठीक है, कॉमन गोल्स और प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए दरमियान लोगों के दरमियान, ठीक है, साइंटिस्ट के दरमियान, रिसर्चर्स के दरमियान, और वो आपस में जो है अपने रिसोर्सेज को शेयर करें, एक्सपर्टीज़ को शेयर करें ताकि बेहतर तौर पर काम कर सकें। सेकेंड आ जाता है इंक्रीज कमिटमेंट फॉर नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, कि जो गवर्नमेंट और जो फंडिंग और एजेंसीज वगैरह हैं उनको अपनी जो सपोर्ट है अर्थ सिस्टम साइंस के लिए उनको जो है पहले से बढ़ानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपैंड इंटीग्रेट एंड सस्टेन ऑब्जर्विंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि नए ऑब्जर्विंग सिस्टम बनाने हैं पहली चीज़, ठीक है, और उसके अलावा जो है उनको जो है वो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उनके उन उनमें जो है वो इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और फिर ये भी इंश्योर करना है कि वो सस्टेनेबल होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा देर तक होने चाहिए, और ताकि क्या हो कि जो डाटा जो कलेक्ट किया जाए इसके अंदर ये भी होना चाहिए कि जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो रिसर्चर्स जो हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएट इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव इन रिसर्चर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद कंटिन्यूइंग एलिमिनेशन ऑफ द बैरियर्स बिटवीन डिसिप्लिन्स एज अ स्पेसिफिक एम, इसका मतलब क्या है कि इट मींस वर्किंग टुगेदर टू डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट विल प्रिपेयर रिसर्चर्स फॉर चैलेंजेस ऑफ अर्थ, या आप लिख भी सकते हैं जो मैंने अभी बोला कि इसमें क्या है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको डिवेलप करने के लिए आपस में मिलकर काम करना, ताकि जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्चर्स जो हैं वो चैलेंजेस के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकें, ठीक है, और ताकि और उसके अलावा जो डिसिप्लिन में जो बैरियर्स आ रहे थे उनको जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट करना, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जैसे हर रिसर्चर जो है वो अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम कर जैसे सॉरी जैसे हमने वो बात की थी कि कुछ डिसिप्लिन के ऊपर जो है वो सही से फोकस नहीं होता है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि कुछ हमने ये भी देखा था, और दूसरा पॉइंट इसके अंदर वो भी आ सकता है कि कुछ रिसर्चर्स जैसे अपने पार्ट पे काम करते हैं तो वो जो बैरियर आ जाता है ना उसको ख़त्म करना। लास्ट पे है इंगेज इन अ मेजर थ्रस्ट टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन वेज बेनिफिशियल टू अर्थ सिस्टम एंड सोसाइटी यूजिंग इन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम एन ऑपरेशनल सिस्टम ऑफ अर्थ सिमुलेटर एंड ऑब्जर्वेशंस। तो इसका क्या मतलब आ जाता है, इसका मतलब ये कि जो अर्थ सिस्टम है उसका जो उससे जो नॉलेज मिलता है, ठीक है, उसको यूज़ करना ताकि जो हर लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उसको जो है वो बेहतर हो सके, और उसके अलावा यानी कि चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या गवर्नमेंट के लेवल पे हो, और उसके अलावा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस फेसिंग बाय अर्थ या आर प्लैनेट,
ठीक है, ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हों जो के इन चैलेंजेस को फेस कर सकें, जो अर्थ फेस कर रही है, ठीक है, इन चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सकें। तो ये सारा था हमारा इसके अंदर, तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।